हेलो, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफिनिट लेंथ वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यों मिटाना है? इतना मिटा देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अब देखो, ये मैंने डायग्राम इसीलिए इरेज नहीं किया क्योंकि देखो ये वायर जो है ना, ये आपका फाइनाइट वायर है। ठीक है, अगर इस वायर को इनफाइनाइट बनाना है तो इसको आगे इधर बढ़ा दो खूब, और इसको आगे भी इधर बढ़ा दो। ठीक है, अच्छा आपका फॉर्मूला क्या आया था फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का? फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए आपके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी साइन थीटा फाइव वन प्लस में साइन फाइव टू, ये आया था। अब आप एक चीज सुनो, अगर मैं आपको इसके अंदर बताऊं, अगर आप इस वायर को पूरा फाइनाइट कर देते हो ऊपर तक और नीचे तक, तो क्या ये फाइव वन है ये यहीं तक रहेगा? नहीं, ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और लास्ट जाके कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके 90 हो जाएगा। ऐसे ये फाइव टू अगर बढ़ेगा तो ये नीचे की तरफ फाइव टू फाइव टू फाइव टू फाइव टू इन्फिनिटी पे जाके ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आपका फाइव वन और फाइव टू है वो कितने हो जाएंगे, 90 एट इन्फिनिटी फोर ए इनफाइनाइट वायर। अगर ये दोनों 90 हो जाएंगे तो इस कंडीशन में जो आपका बी है वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी साइन फाइव वन यानी साइन 90 और साइन फाइव टू भी साइन 90, ये कितना हो गया 1, ये भी कितना हो गया 1, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी टू, टू से फोर कैंसिल, आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। तो ये ध्यान रखना, इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर होता है उसके कारण जो आपका ये क्या बोलते हो आप, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा कितना, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। ठीक है, कर लोगे। एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा उलझ के आया था इसमें अजीब, क्वेश्चन ये आया था कि कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है, उसके बॉटम मोस्ट पॉइंट यानी यहाँ कोई इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इससे डी डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक बार ये क्वेश्चन भी आया,
अच्छा ये क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे कि यहाँ देखो फाइव वन है वो तो इन्फिनिटी पे जाएगा, कितना होगा 90 होगा, लेकिन फाइव टू है वो कहीं नहीं जा रहा, वो यहीं है, तो फाइव टू कितना है 0। तो इफ वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू एट ए पॉइंट पैरेलल टू बॉटम मोस्ट ऑफ वायर, देन फाइव वन तो 90 हो जाएगा बट फाइव टू कितना रहेगा 0 रहेगा, और उस कंडीशन में आपका जो B होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4πD साइन फाइव वन तो साइन 90 और साइन फाइव टू साइन 0। क्लियर है? अब साइन 90 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 1 होती है, और साइन 0 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 0 होती है। यहां से आपका जो B है वो कितना आया म्यू नॉट आई अपॉन में 4πD और इंटू में 1। क्लियर है? ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। कर लोगे इसको? ठीक है कर लेना। एक बार क्वेश्चन एक और भी आया था, एक बार क्वेश्चन ये आया था कि कोई फाइनाइट लेंथ का वायर है उसके बॉटम मोस्ट पे कैलकुलेट करो। ठीक है, अब की बार इनफाइनाइट नहीं था, एक बार फाइनाइट का भी आया था उसके बॉटम मोस्ट पे। तो देखो उस कंडीशन में साइन फाइव वन तो हो जाएगा 5 और साइन फाइव टू हो जाएगा 0। तो उस टाइम जो फॉर्मूला था वो आया था म्यू नॉट आई अपॉन में 4πD साइन फाइव वन की जगह साइन फाइव, और बस जो ऑप्शंस थे उनमें साइन फाइव नहीं था, साइन फाइव की वैल्यू रख रखी थी क्योंकि फाइव के सामने वाला ये पूरे वायर की लेंथ एल और ये डिस्टेंस डी, तो सीधी सी बात है साइन फाइव कितना निकल जाएगा एल अपॉन में ये हाइपोटेनस, और ये हाइपोटेनस कितना होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। तो एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कोई आपका जो फाइनाइट वायर है उस फाइनाइट वायर के लिए आप क्या निकालो, उससे जो उसके बॉटम मोस्ट पॉइंट से डी डिस्टेंस पे आपका जो है पॉइंट है उस पर क्या निकालो मैग्नेटिक फील्ड निकालो। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आप वैल्यू रख दोगे किसकी फाई की, सॉरी आप वैल्यू रख दोगे साइन 90 की जगह साइन फाई, और फाई टू को क्या कर दोगे 0 कर दोगे। ठीक है, और फिर लास्ट में जो साइन फाई आए उसकी अगेन वैल्यू रख देना। साइन फाई आपका क्या होता है फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी एल, और बाई में बेस की जगह डी। अब यहाँ पर आप इसका अंडर रूट ले लेना तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, और साइन फाई की जगह आप वैल्यू रख देना परपेंडिकुलर यानी एल अपॉन में अंडर रूट हाइपोटेनस की वैल्यू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर जो आपका ये है ये डी है ये बहुत दूर हो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि ये जो डी पॉइंट है ये वायर से बहुत ज़्यादा दूर हो, उस कंडीशन में क्या होगा। अगर डी पॉइंट है वो वायर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा तो उस कंडीशन में डी को 0 कर दो, एल से एल कट जाएगा, अगेन आंसर क्या आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4πD, जो कि किसमें आया था, जो कि आया था इसमें। आप अगर वायर के इनफाइनाइट के एंड पे निकाल रहे थे तो चाहे इनफाइनाइट वायर के एंड पे निकालो चाहे फाइनाइट वायर से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे निकालो, दोनों का आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा। आई होप आप इसको कर लोगे। तो इसी के साथ ये टॉपिक आपका खत्म। बाय बाय।